2023 शुभमन गिल के लिए एक लाजवाब साल था। आईपीएल में 3 सेंचुरी के साथ 890 रन्स, सीजन के लीडिंग रन गेटर। ओडीआई में 4 सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी के साथ वो बने दुनिया के नंबर 1 रैंक ओडीआई बैट्समैन। यहीं पे गिल को प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग मिला। सब कहने लगे कि इंडिया को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। मीडिया और फैंस की हाइप इतनी बढ़ गई कि सबको लगने लगा कि गिल ही विराट के नेक्स्ट सक्सेसर बनेंगे। पर फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि लोग गिल के टीम में होने पर भी सवाल उठाने लगे। उनका स्ट्राइक रेट, उनको दी गई कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी और उनकी बैटिंग पोजीशन, हर चीज पर सवाल उठने लगे। उनका यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ से कंपैरिजन शुरू हो गया और ऐसा मानो कि सब गिल के पोटेंशियल पे डाउट करने लगे थे। यहीं पे एक सवाल आता है कि हाँ, शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट तो है, पर क्या वो कभी किंग बन पाएंगे? गिल का करियर 2018 से शुरू हो गया जब अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाती है, जिसके पीछे का मेन रीजन था शुभमन गिल। गिल उस वर्ल्ड कप के लीडिंग रन गेटर थे, जिसको देखकर आईपीएल 2018 के ऑक्शन में केकेआर उनको अपनी टीम में सिलेक्ट कर देती है और अपने 7th मैच में ही सीएसके के अगेंस्ट गिल 57 रन की शानदार पारी खेल देते। यहां से सिलेक्टर्स की नजर गिल पर बनी हुई थी और देखते ही देखते जनवरी 2019 में शुभमन गिल का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया। सबको लगने लगा था कि डेब्यू के बाद गिल नहीं रुकने वाले, पर इंडियन टीम में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। गिल अपने पहले मैच में ही सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद वापस आईपीएल में केकेआर की टीम के लिए गिल को खेलने का मौका मिलता है, जिस सीजन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने भले ही 14 मैच में 296 रन ही बनाए, पर एक यंगस्टर के लिए ये काफी अच्छे स्कोर थे। गिल ने इस सीजन अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो केकेआर के लिए एक डिपेंडेबल ओपनर है। अगले साल केकेआर ने गिल को एज अ ओपनर बैक करना शुरू कर दिया, जिसके रिटर्न में गिल ने उस सीजन 440 रन बनाए और केकेआर के लीडिंग रन गेटर भी बने। भले ही केकेआर का वो सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, पर गिल ने अपनी बैटिंग से सबको काफी इम्प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से गिल को एक बार फिर से इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला और इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। गिल को 2020-21 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जहां उन्हें एमसीजी में हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। गिल ने अपने डेब्यू में 45 और 35 नॉट आउट बनाए, जो एक ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेल रहे यंग डेब्यूटेंट के लिए काफी अच्छे थे। इंडियन टीम ने हिस्टोरिक मैच जीता और इसके बाद का मैच सिडनी में ड्रॉ कर दिया। अब सीरीज का आखिरी मैच गैबा में होने वाला था, जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कभी नहीं हारी थी। इंडिया को वो मैच जीतने के लिए 5th डे पर 329 रन बनाने थे और ऐसे में ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। पर किसने सोचा था कि जो प्लेयर सिर्फ अपना 3rd टेस्ट खेल रहा हो, वो उस प्रेशर सिचुएशन में 91 रन की इम्पोर्टेंट नॉक खेल देगा। भले ही गैबा की जीत का क्रेडिट ऋषभ पंत को मिला है, पर शुभमन गिल के 91 के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शुभमन गिल की डेब्यू सीरीज शानदार थी, पर इसके बाद जब भी गिल को मौका मिला तो उनकी परफॉर्मेंस काफी खराब हो गई थी। पहले 25 टेस्ट खेलने के बाद भी गिल का एवरेज सिर्फ 35 का था, जो कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए काफी खराब है। अब मैनेजमेंट को लगने लगा कि शायद गिल टेस्ट मैच के लिए अभी सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें 2022 में ओडीआई में चांसेस मिलने लगे और ओडीआई में तो गिल एक अलग ही प्लेयर बन गए थे। वेस्ट इंडीज टूर के 3 मैचेस में शुभमन ने 102 के एवरेज से रन्स बनाए। इसके बाद जिम्बाब्वे टूर में गिल ने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी लगा दी। शुभमन की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें ओडीआई का परमानेंट ओपनर बना दिया। 2022 में गुजरात टाइटंस से गिल को अपनी टीम में लिया, जहां उन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज के साथ 483 रन बनाए, जिसकी मदद से गुजरात अपना पहला टाइटल जीतने में कामयाब रही। गिल का ये परफॉर्मेंस देखकर सबको लगने लगा था कि इससे बेहतर गिल आईपीएल में क्या ही परफॉर्म कर सकते हैं। पर जिस तरह गिल ने 2023 के आईपीएल में परफॉर्म किया, उसने सबको शॉक कर दिया। 2023 गिल का एक ड्रीम ईयर होने वाला था। आईपीएल के 17 मैचेस में 3 सेंचुरीज, 4 हाफ सेंचुरीज, 59 का एवरेज और 157 का स्ट्राइक रेट के साथ गिल ने 890 रन्स बना दिए, जो कि विराट कोहली के ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर से सिर्फ 83 रन्स दूर थे।
किंग के बाद उस रैंकिंग में आते हैं द प्रिंस शुभमन गिल, और बस यही से मीडिया और फैंस ने उनको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग दे दिया। इस साल गिल की ओडीआई परफॉर्मेंस तो एक अलग लेवल पर चली गई थी। साल शुरू हुआ श्रीलंका सीरीज से, जहां उन्होंने 3 मैचेस में 207 रन्स बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में तो गिल ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो खुद किंग भी नहीं कर पाए। उन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा दी। ये परफॉर्मेंस को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि गिल ओडीआई में लंबा टिकने वाले थे। 2023 में टोटल 29 ओडीआईस में गिल ने 1584 रन्स बनाए, जिसमें 9 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरीज भी शामिल थी। ये शुभमन के करियर का काफी सक्सेसफुल टाइम चल रहा था। सब उनकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि यही बनेंगे इंडियन क्रिकेट के अगले किंग। पर फिर आया साल 2024 और इस साल गिल को बैक टू बैक कई सेटबैक्स मिलते गए। साल की शुरुआत में ही उनकी टीम गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पंड्या ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस में चले गए, जिसकी वजह से शुभमन गिल को टीम का कैप्टन बना दिया और अनफॉर्चुनेटली गिल उस जिम्मेदारियों पर खड़े नहीं उतर पाए। जो गुजरात टाइटंस अपने पहले दोनों सीजन में फाइनल्स तक गई थी, वो गिल की कैप्टनसी में पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल नीचे नजर आई। गिल का दूसरा सेटबैक तब आया जब उनके एवरेज आईपीएल परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट नहीं किया। BCCI ने फिर भी गिल को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा और जिम्बाब्वे टूर की एक नई इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया। इस सीरीज में भले ही गिल ने 170 रन्स बनाए, पर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करना और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग ना करने देने की वजह से फैंस को गिल से नफरत होने लगी। कुछ फैंस उन्हें सेल्फिश भी कहने लगे। इसी के साथ गिल के टेस्ट में ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के चलते सब टीम में उनकी पोजीशन को क्वेश्चन करने लगे। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि गिल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट तो जरूर है, पर विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर के शूज को फिल करना कोई आम बात नहीं है। आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियंस कमेंट से बता दो। गिल के बेस्ट फ्रेंड ईशान किशन पे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। ऋतुराज गायकवाड़ पे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।